everyone, happy Diwali to all of you. I know ये दिवाली ब्लॉग अपलोड करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, वो इसीलिए क्योंकि दिवाली का ब्लॉग का जो असली मजा है वो दिवाली वाला दिन आता है. काफी लोग क्या करते हैं कि दिवाली से एक्चुअल डेज पहले ही दिवाली ब्लॉग या कुछ भी वीडियो शूट कर लेते हैं और दिवाली वाले दिन अपलोड करते हैं. तो मैंने सोचा कि यार डिफरेंट करते हैं थोड़ा, दिवाली वाले दिन दिवाली एंजॉय करके उसके बाद इसका ब्लॉग बनाते हैं. एंड या गाइस, दिवाली का मतलब है लाइट, प्रॉस्पेरिटी, ऑप्टिमिज्म. सो अपने लाइफ में नई गोल सेट करो और उनके साथ आगे बढ़ो. एंड दिवाली मनाने के बहुत तरीके होते हैं. कुछ लोग दिए जलाते हैं, कुछ लोग पटाखे चलाते हैं, कुछ लोग पूजा करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं मत्था टेकने के लिए और बाबा जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए. वेल, मेरा तो यही तरीका है. बाकी गाइस, तुम सारे ने पटाखे चलाए होंगे तो अपना ध्यान रखा होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट. तो लाइट रखो, प्रॉस्पेरिटी रखो और लाइफ पे आगे बढ़ो. और या तुम लोग देख सकते हो आज मैं कैसे ड्रेसअप हुई हूँ, मैंने काफी इयररिंग वगैरह भी पहने हैं. वेल, अभी कोई घर में है नहीं, अगर कोई मिलता तो मैं अपना पूरा ड्रेस एक बार शूट करके तुम लोगों को जरूर दिखाऊंगी. और या मैं कमेंट सेक्शन में इस चीज की जरूर वेट करूंगी ये जानने के लिए कि तुम लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ. वेल, दूसरे तो मैं हमेशा प्यारी लगती हूँ क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ. ओके, एंड या गाइस, जो यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं उनको क्या करना है, उनको चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ नेक्स्ट वीडियो तुम लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. सो या अभी हम चल रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए और उसके बाद में मैं व्लॉग में आगे क्या क्या करती हूँ उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी. इट इज़ अ दिवाली व्लॉग एंड यस इट्स हैपनिंग. मैं हर दिवाली सोचती थी दिवाली व्लॉग बनाने का एंड फाइनली इट्स हियर, आई एम सो हैप्पी. हम जा रहे हैं गुरुद्वारे एंड एज यू कैन सी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और हमें वहाँ पे काफ़ी देर वेट भी करनी पड़ी थी कार पार्क करने के लिए क्योंकि दिवाली का टाइम था तो सारी संगतें गुरुद्वारे जा रही थी एंड कार पार्क करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी. और ये गुरुद्वारे के बाहर शॉप्स लगी हुई हैं एंड लोगों का आना जाना लगा हुआ है क्योंकि हर कोई चाहता है कि ऐसे एक शुभ मौके पर जाएँ गुरुद्वारे और बाबा जी की ब्लेसिंग्स लें. और गुरुद्वारा देखो ज़रा कितना प्यारा सजाया हुआ है. ये पहली बार नहीं है, वैसे तो ऑलमोस्ट गुरुद्वारा सजाया ही होता है बट याद दिवाली पे ज़्यादा स्पेशल होता है. आओ, वाओ, काफ़ी संगत आ रखी है और मुझे तो वहाँ इतना अच्छा लग रहा था, उनका एम्बियंस इतना अच्छा, इतना प्रेटी. वाओ, जस्ट लुक एट द लाइट्स, सो ग्लोरियस. और हमने वहाँ गए और हमने वहाँ जोड़ा घर में पहले अपने जोड़े जमा किए और फिर हम लोग गए कैंडल्स जलाने के लिए. आप देख सकते हो कितनी सारी कैंडल्स लगी हुई हैं. सीरियसली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कैंडल्स जलाना, दिए जलाना. और ये मेरे मॉम और मेरा ब्रदर है कैंडल्स जलाते हुए. हाय गाइस, हाय मम्मा. मम्मा देख ही नहीं रही. और ये रही मैं, हियर आई कम. और ये मैं कैंडल जला रही हूँ क्योंकि मुझे कैंडल जलाना बहुत अच्छा लगता है. इसी बहाने तुम लोग मेरा ट्रेडिशनल वेयर भी देख लोगे. मोस्टली मैं क्या करती हूँ, जीन्स टॉप ऐसे ही क्लोथ्स पहनती हूँ बट या ट्रेडिशनल वेयर एक दिवाली के फेस्टिवल पे, यस इट इज़ अ लुक, जस्ट लुक एट मी गॉर्जियस. ये रहे मॉम कैंडल्स जलाते हुए. वाओ, मम्मा हेलो, मम्मा हियर, मम्मा लुक एट मी, हाय मॉम. और ये मैं फिर से कैंडल्स जला रही हूँ. एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी सारी कैंडल्स जो है वो बुझ गई थी तो मैंने सोचा कि उनको दोबारा से लाइट कर दिया जाए. मुझे बहुत अच्छा लगता है कैंडल्स जलाना. अब चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकने के लिए. वेल ऑफ कोर्स इट इज़ द मेन पर्पस जिसके लिए हम यहाँ गुरुद्वारे आए थे. एंड एज़ यू कैन सी काफ़ी संगत यहाँ आई हुई है. संगत काफ़ी दूर दूर से आती है यहाँ पे. एक गुरुद्वारा सिंह शहीद है. काफ़ी लोगों ने ये देखते ही वैसे गेस कर लिया होगा बट जिनको नहीं पता था उनको मैंने बता दिया. एंड ये रहे मॉम एंड ब्रदर एंड हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर. वाओ, एम्बियंस तो मतलब पूछो मत, इतना मतलब ज़्यादा लाइक स्पिरिचुअली अट्रैक्टिव होता है वो कि दिल करता वहीं पर बैठे रहो, शब्द कीर्तन सुनते रहो. एंड वाओ, जस्ट लुक एट द ब्यूटी, गुरुद्वारा कितना प्यारा लग रहा है, स्पार्कलिंग. और ये लो जी, दर्शन कर लो. जिन जिन्होंने गुरुद्वारा जाना मिस कर दिया था किसी काम की वजह से या फिर अपनी किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से,
तुम लोग देख लो अभी गुरुद्वारा, कर लो दर्शन और ले लो बाबा जी की ब्लेसिंग्स। यू ऑल आर वंडरिंग कि नवनीत कहाँ है, तो ये रही नवनीत अपनी चुन्नी संभालते हुए क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं ऐसे एथनिकल ड्रेसेस बहुत कम पहनती हूँ, तो मुझसे चुन्नी संभाली नहीं जाती। और ये हम जा रहे हैं अभी वापस घर, और वहाँ पे हम जाके जलाएंगे दिए, क्योंकि घर में भी दिए जलाने बहुत ज़रूरी हैं। ये रहे पटाखे, स्वीट्स, गिफ्ट्स। तुम लोगों में से कोई कहीं ये ना सोच ले कि नवनीत ने हमें मिठाई का पूछा नहीं। भाई बड़े दिल वाली हूँ, जिसका जो दिल करता है वो खा सकता है। ओके, हियर इट इज। यस, टाइम आ रहा है पास पटाखे चलाने का। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, सो मच एंथ्रॉलिंग। डाइनिंग टेबल तो हमारा ऑलमोस्ट फुल था। वेल लुक एट द विसिनिटी, सारी जगह लाइट्स लगी हुई हैं। और या ब्राइट ने, दिस इज माई होम स्वीट होम। और ये रही मैं। फाइनली इट्स टाइम फॉर मी फुलझड़ी चलाने का। यार आखिरी में जली मेरी। अपने चाइल्डहुड डेज में मुझे ऐसी फुलझड़ी चलाते हुए अपना नाम लिखना बहुत अच्छा लगता था। या आई एम प्रेटी श्योर दैट मैनी ऑफ यू लाइक डूइंग दिस। एंड हाँ, अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो मुझे थोड़ा अच्छा दिखना है, या फिर कह लो कि मैं बच्ची नहीं दिखना चाहती। My mom, dad and my cute little adorable nephew, my gugu. इसको बहुत सारे लोगों ने मेरी स्नैपचैट पे देखा है। हम लोग ऑलमोस्ट लगे होते हैं कभी फ़न करने, कभी हमारी प्ले डेट्स होती हैं, या फिर कभी हम यू नो कुछ ना कुछ नॉटी प्रैंक्स हरकतें कर ही रहे होते हैं। जस्ट लुक एट हाउ क्यूट। सो दिस इज़ my ब्रदर एंड मी। एक्चुअली ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऐसी फुलझड़ी चलाते थे। हम कॉम्पिटिशन करते थे कि किसकी फुलझड़ी जो है पहले फिनिश होगी। वैसे तो मैं हमेशा ही जीतती थी, बट हाँ इस बार एक फुलझड़ी कॉम्पिटिशन में कौन हारने वाला और कौन जीतने वाला ये मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम लोग खुद ब खुद ही देख लो, क्योंकि तुम लोग देख ही रहे हो। वैसे मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको तंग करने में, और मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हूँ सो दैट उसकी फुलझड़ी जो है वो फिनिश हो जाए, या फिर वो अपने आप ही छोड़ दे। बट या जो आखिरी में होना है वो तो होना है, जिसको जीतता है वो जीतेगा, जिसको हारना है वो हारेगा। ये रहे मेरे भाभी, और ये रहा प्यारा सा गुग्गू फुलझड़ी जलाते हुए। एंड गेस व्हाट, मुझे ये लगता है कि इसको भी फुलझड़ी जो है वो बहुत अच्छी लगी, काफ़ी अट्रैक्ट हुआ फुलझड़ी जलाने से, रैदर देन कि बाकी पटाखों से इतना नहीं हुआ। ये मैं चला रही हूँ अनार। अनार को जब बर्न करते हैं ना तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि स्पार्कल ना हो रही हो, ज़्यादा ना हो और रह जाए, बस यही माइंड में चलता रहता है। एंड ये हियर इट इज। नाउ कम्स द टर्न ऑफ चक्री। एंड आई नो कि बहुत लोग चलाते होंगे, बट यार चक्री चलाने में ना एक्चुअली मुझे बड़ा टाइम लगा, पता नहीं क्यों, यार जली नहीं दी थी। एंड हियर इट इज। वाला लाइटिंग बॉम्ब जलाया भैया ने। हियर वी गो। सो दिस इज माय फुल ट्रेडिशनल लुक। फाइनली तुम लोग देख ही लो, देखा मैंने प्रॉमिस किया था। हियर आई एम, आई कीप माय प्रॉमिसेस। This was my Diwali vlog and I really hope तुम लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। Well you can see कि मैं पटाखे चला सकती हूँ। अगर तुम लोगों को कहीं पर भी ये लग रहा होगी कि मैं पटाखे नहीं चला सकती हूँ,
मैंने फुल एंजॉय किया है, आई रियली फील कि तुम लोगों ने भी वैसे ही इंजॉय किया होगा या फिर उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। सो अगर तुम लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हैप्पी दिवाली अगर मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें तो बोलना पड़ेगा ना। एंड साथ ही साथ मेरे करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड यस, लाइक एंड शेयर एक बार फिर से बोल देती हूँ, जितना शेयर करोगे उतना सितना अच्छा होगा। आपकी फेवरेट टेक्निक कैसी लग रही है? आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट माई लाइफ।